दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था, लेकर आया आपके लिए एयरटेल के ब्लैक प्लान्स के जो कॉन्स हैं, कुछ तीन मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। कोई आलतू फालतू पॉइंट नहीं होगा, जो मैंने खुद बात करके कस्टमर से एक्सपीरियंस करा है, कस्टमर सर्विस से बात करके एक्सपीरियंस किया है, वही मैं लिस्ट डाउन करूंगा इस वीडियो में। शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, क्लियर नॉलेज दूंगा, ताकि आप जो है एक जाल में ना फंस जाए जो एयरटेल ब्लैक नाम का है, और क्लियर डिसीजन ले पाए कि आपके लिए एयरटेल ब्लैक प्लान है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं रजत, रजत टी चैनल में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर, और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कौन जो निकल के आता है एयरटेल ब्लैक प्लान का, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लान। जी हाँ दोस्तों, अब सपोज करिए कि एक बंदा दिल्ली में रह रहा है और एक बंदा कोई छोटे से एरिया में यूपी के रह रहा है, तो दोनों के प्लान्स में डिफरेंस है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत भी नहीं, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अपने ही एरिया में पता किया था, मेरा जो एक फ्रेंड है वो दिल्ली में रहता है और दूसरा फ्रेंड जो है एक आप कह सकते हो यूपी के एरिया में रहता है, तो उन दोनों एरियाज़ में आपके एयरटेल के ब्लैक प्लान में जमीन आसमान का फर्क था। वहीं मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे, डीटीएच के साथ कंबाइन होकर आपको एयरटेल का ब्लैक प्लान मिल रहा था। वहीं दोस्तों दूसरे एरिया में आपको डीटीएच कंबाइन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जिस वजह से आपका एक तो प्लान बहुत महंगा हो जाता है एयरटेल ब्लैक का, सेपरेटली आप परचेज करते हो तो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है आपको, कॉस्ट वाइज इफेक्टिव रहता है। वहीं अगर आप डीटीएच को क्लब कर देते हैं जैसे दिल्ली एरियाज में, मेट्रो एरियाज में, तो आपके लिए वो प्लान काफ़ी अच्छा हो जाता है। OTT ऐप के सब्सक्रिप्शन को कंबाइन करें तो वो बहुत ही बेहतर प्लान निकल के आता है। बट फिलहाल के लिए छोटे शहरों में जहाँ पर ये DTH को कंबाइन करने नहीं देते, जहाँ एयरटेल ब्लैक प्लान अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पर ये बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे कॉन की तरफ, और जो दूसरा कॉन निकल कर आता है एयरटेल ब्लैक प्लान का, वो है इसका पोस्टपेड कनेक्शन होना। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ब्लैक प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी कहें या उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहें जो प्रीपेड प्लान यूज़ करते हैं, उनके लिए एयरटेल ब्लैक प्लान बना ही नहीं है साफ तौर पे। अगर आप एक पोस्टपेड कनेक्शन है आपके पास, या पोस्टपेड कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, तभी आप एयरटेल ब्लैक प्लान कंसिडर कर सकते हैं या ले सकते हैं इन शॉर्ट, अदरवाइज आपके लिए एयरटेल ब्लैक प्लान है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टपेड कंज्यूमर्स के लिए ही है, इसलिए मैंने जो पहला पॉइंट कहा था, जिन एरियाज में पोस्टपेड सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर एयरटेल ब्लैक प्लान मौजूद ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये दो स्ट्रॉन्ग रीजन हैं आपको एयरटेल ब्लैक प्लान ना लेने के लिए, क्योंकि अगर आप पहला पॉइंट कंसिडर करें तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, महंगा हो जाएगा, और कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि आपका सेपरेट चीज़ों को कंबाइन करके उसके 400-500 रुपये आप एक्स्ट्रा दें। तो मेरे हिसाब से एयरटेल ब्लैक प्लान बड़े शहरों के लिए फिलहाल ज़्यादा बेटर है जहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं, अदरवाइज छोटे शहरों में जहाँ पर प्रीपेड कंज्यूमर ज़्यादा हैं, उनके लिए एयरटेल ब्लैक प्लान बनाएंगे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है इसका कंफ्यूज अप्रोच, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से एयरटेल को इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मेट्रो सिटीज़ में आपने इतनी सर्विस दे दी, इतना चीप दे दिया, वहीं छोटे शहरों में आपने इतना अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। कुछ कस्टमर एग्जीक्यूटिव कुछ कहते हैं तो कुछ लोग कुछ और कन्वे करते हैं, तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। एंड वन मोर थिंग मैं ये कहना चाहूँगा, अगर एयरटेल जो है अपनी क्लियर अप्रोच रखे तो एयरटेल ब्लैक प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स मैंने अपने पहली वीडियो में बताए थे आपको, जो एयरटेल ब्लैक की प्रोज वाली वीडियो थी, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे वो, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। एंड जेन्युइनली अगर कस्टमर सर्विस के साथ साथ आपको एक अच्छा प्लान का ऑप्शन ही मिलता है तो हर कोई उसे परचेज करेगा। बट दोस्तों अगर ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस रह जाएगा, आप क्लियर कन्वे नहीं कर पाओगे अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को, तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी कंज्यूमर के लिए एयरटेल ब्लैक प्लान चूज़ करना। तो मेरे हिसाब से एयरटेल को एक क्लियर अप्रोच रखनी चाहिए। मान सकता हूँ कि दिल्ली में कंज्यूमर ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस वजह से आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है एयरटेल को, तभी आपको ज़्यादा अच्छे प्लान मिल रहे हैं। बट आपको इतना डिफरेंस नहीं कर देना चाहिए कि आप छोटे शहरों में कुछ भी ना प्रोवाइड कर सकें। सो मेरे हिसाब से एयरटेल के ये तीन बड़े कॉन्स थे जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर परचेजिंग एयरटेल ब्लैक प्लान, क्योंकि आपको अच्छे प्रॉस मिल रहे हैं डेफिनेटली, उसको मैं नहीं कहूँगा, बट अगर आपको एरिया में सर्विस ही नहीं मिल रही उसकी, तो आप क्या करेंगे एयरटेल ब्लैक का। आप एक प्रीपेड कंज्यूमर है तो भी आपको कोई यूज़ नहीं है एयरटेल ब्लैक का, और अगर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अपने प्लान के बारे में, तो भी आपको उस प्लान से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये तीन पॉइंट्स मेरे हिसाब से आप कंसिडर करते हैं, मेट्रो सिटीज़ के अलावा कहीं और रह रहे हैं, आपको ये चीज़ें मिल रही हैं देखने को, तो आपको एयरटेल ब्लैक प्लान से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप इन दोनों ही वीडियो से आपको एक अच्छा निर्णय बनाने का
क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा, और अब मेरे हिसाब से आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि आपको एयरटेल ब्लैक प्लान की तरफ से जो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जा रही है यूट्यूब पर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको एयरटेल ब्लैक प्लान की तारीफ ही तारीफ दिखा रहे हैं। सो कैसे करना है नहीं करना ये आपके हाथ में है, और बाकी आपकी कोई और व्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में वेलकम है दोस्तों आपका। मैं वेट करूंगा आपके सारे कमेंट्स का, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपकी कोई क्वेरी हो उस कमेंट सेक्शन में तो उसका रिप्लाई कर सकूं। और दोस्तों अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और जाने से पहले दोस्तों वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आगे वाली वीडियोज आपको जल्द से जल्दी मिल जाए और आपको एक प्रैक्टिकल एंड अनबायस्ड वीडियो लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।